चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे। तो टुडे टॉपिक इज क्लीन। टॉपिक बोलूँ या क्या बोलूँ, मंत्र बोलूँ? देखिए, जब क्लीन का नाम आता है ना, क्लीन शब्द आता है, तो इसके आगे कुछ बोल पाना ना, कह लो कि मुँह सिल जाता है। अब मेरा जितना बोलो उतना कम है, जितना बोलो उतना कम है। ज़बरदस्त मंत्र है एकदम। अगर आप इसको मन से और ध्यान से करेंगे, इसकी वाइब्रेशन को आप फील करके करेंगे ना, तो आपको एक कंपन महसूस होती है अपनी बॉडी में। बस बात आती है कि मन से करने की। आप जब क्लीन करते हैं, सबसे पहली क्लीन का रिदम क्या है, क्लीन आप कैसे कर पा रहे हैं? अब लोग बोलते बहुत कुछ है, मैडम हम 3 महीने हो गए क्लीन कर रहे हैं लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया है, वैसा नहीं हो पाया है, हमारी विश नहीं पूरी हुई। आपकी विश है क्या? आप क्लीन कर क्यों रहे? सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए? इतने मतलब ही हो गए हैं क्या हम लोग? आज भगवान को भी याद कर रहे हैं तो अपने मतलब के लिए। सबसे पहले ही गलत बात है। देखिए, नो डाउट, हर कोई मंत्र करता है तो कुछ ना कुछ पाने के लिए ही करता है, ये साफ साफ बात है। एक मतलबी दुनिया है, मैं भी मतलबी हूँ, आप भी मतलबी, हम सब मतलबी। लेकिन क्लीन को करने का एक क्लीन एंड क्लियर मोटिव होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, जब हम क्लीन करते हैं, क्लीन के साउंड पर चाहिए, क्लीन 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 हमने कर लिया। जब हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ भी हम काम कर रहे हैं, हम करते जा रहे हैं। लेकिन जब भी आपको वक्त मिले, आप क्लीन को एक मेडिटेशन जोन में जाकर करिए। जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में ऐसे ही बोलकर बताया है, जब आप इस तरह से क्लीन करते हैं, आप खुद महसूस कीजिए, मेरी बातों पे मत जाइए क्रॉस, आप खुद देखेंगे आपका दिल, आपका दिमाग, ये जो खिचड़ी पक रही थी ना, कड़कड़ ये वो ऐसा वैसा एक्स वाई जेड, कुछ पल के लिए आप लोग शांत हो जाएंगे। कुछ पल के लिए आप शांत हो जाएंगे। उस वक्त आपको अपनी विश आगे नहीं रखनी है, हे भगवान जी मेरा ऐसा हो जाए, क्लीन देवता कृष्ण जी आप जिनको भी मानते हैं कि मेरा सो एंड सो मेरी विश पूरी। नहीं, उस वक्त जब आप क्लीन को सुन रहे हैं, दैट टाइम आप क्लीन भी आपको सुन रहा है। ध्यान से सुनिए, आप क्लीन को सुन रहे हैं तो क्लीन भी आपको सुन रहा है, वो शब्द की मैग्नेटिक पावर्स भी आपको सुन रही है। आप अगर फील करेंगे, आप पूरी बॉडी में तिरंगे जो हैं इस तरह से घूमेंगे ऊपर से नीचे तक। डैट मीन्स क्लीन आपके ऊपर अपनी वाइब्रेशंस को छोड़ रहा है। जब वो क्लीन आपकी बॉडी में अपनी वाइब्रेशंस को छोड़ेगा तो क्या होगा, आपके अंदर की सच्चा मन होता है ना। देखिए, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मैं अगेन बोलूँगी, लेकिन उसमें से कुछ इच्छाओं का कोई मतलब नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता। भगवान को पता है ये चीज़ें, जानते हैं ना हम भी। उसमें जो हमारी दबी हुई इच्छा होती है, जो प्योर होती है इच्छा, जो कह लो कि भगवान को पता है कि इस इच्छा के लिए इसने कितनी तपस्या की है, भगवान क्लीन उस इच्छा को अपने आप पूरा करता है, ऑटोमेटिक पूरा करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या क्लीन से हम अपना खोया हुआ प्यार, या फिर जो हमारा एग्जिस्ट लव पार्टनर है हमारा, चाहे मैरिड पार्टनर है, हमारा बॉयफ्रेंड है, लवर, कुछ भी, कोई भी पार्टनर कह सकते हैं, बॉस के साथ रिलेशन है, ऑफिस में कोई रिलेशन है, हम ठीक करना चाहते हैं, तो क्लीन उस इच्छा को ऑटोमेटिक उठाएगा और पूरा करेगा। शर्त इतनी है कि आपको मन से करना है, स्वार्थ से नहीं। आपको टाइम नोट नहीं करना है, मेरे को 3 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया जी, अब तक तो नहीं हुआ, होगा भी नहीं ऐसे। आप इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मन से कीजिए। 3 दिन भी बहुत ज़्यादा है, मैं बोलती हूँ 3 घंटे में चमत्कार होते हैं, मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस हुए हैं तो मैं बोल सकती हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे साथ मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी दुनिया है जिनके साथ मिरेकल्स हुए हैं, कुछ लोगों के साथ नहीं हुए। उनको अपने आप को फिल्टर करने की जरूरत है, उनको अपने आप को, देखो मैं ये नहीं बोलूँगी अगर आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही तो इट मीन्स आप प्योर नहीं हो। कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता हमें वो चाहिए या नहीं चाहिए, वो हमारे लिए सही है या नहीं सही, पर कुदरत को तो पता है, कुदरत ने तो हमको फिल्टर करके ही देना है। तो टेंशन मत लीजिए, आपका खोया हुआ प्यार, आपका ट्रू लव, प्योर लव, आपकी सच्ची इच्छा, आपकी प्योर विश जो है वो 100% पूरी होगी।